हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदर्स क्लासेस एंड टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.4। और इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.4 के 10th क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया है, 1 to 10 ऑलरेडी डिस्कस किया है। हम लोग एनसीईआरटी क्लासिक्स मैथ को डील कर रहे हैं और आज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 को डील कर रहे हैं। ओके, आपका सवाल क्या है? मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। यहाँ पर कुछ एंगल्स दे रखे हैं इस बॉक्स में, आई थिंक यू कैन सी क्लियरली, इस बॉक्स को देख पा रहे हैं। इसमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं और ये प्यारा सा फिगर दे रखा है, ठीक है, आपके बुक में। पर बोला है क्या कि इस एंगल को फाइंड करके बताइए कि कितने कितने का ये एंगल है और कौन कौन से टाइप्स है, टाइप्स भी आपको बताने हैं। चलिए देखते हैं कौन सा कितने का है। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एओबी, एंगल एओबी, यहाँ पे आप देखिए एंगल एओबी है ना, तो इस वाले एंगल का आपको मेजर करके बताना है कि कितना है। अब आप यहाँ से एक चीज समझिए, बहुत ही इजी वे में आपको बता रही हूँ, तुरंत सीख जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से क्या बनता है हमारा, अगर इस वाले एंगल को हम लोग मेजर करेंगे तो हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। चूंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री का हाफ है, आप देख सकते हैं ना, तो 90 डिग्री से आधा है, यानी कि अगर आप इसको मेजर करके देखेंगे जैसा कि मैंने मेजर किया है, तो जब मैंने इसको मेजर किया तो मैंने क्या फाइंड किया, ये कितने का एंगल बना रहा है, ये 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एज वी नो दैट कि जब 90 डिग्री से कोई भी एंगल जब उससे कम होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, तो वो कौन सा एंगल होता है, वो एक्यूट एंगल होता है माय डियर, वो क्या होता है, एक्यूट एंगल, वो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एओसी, एंगल एओसी। अब हम लोग एंगल एओसी को देखेंगे कि कैसे बन रहा है। देखिए जरा AOC, ठीक है। अब हम लोग इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले, तो मैं फिर से वही बताना चाहती हूँ आपको कि अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा यहाँ से 90 बनेगा और 90 से कुछ है, कुछ ज्यादा है, 90 तो है नहीं, हमें इस वाले को बनाना है, बताना, और ये जो एंगल बनेगा इस पूरे का मेजरमेंट बताना है, ठीक है। तो इस पूरे को जब हम मेजर करेंगे तो यहाँ 90 और 90, यहाँ तो आपको देख करके कुछ एस्टिमेट हो रहा है ना कि थोड़ा सा 90 से ज्यादा है, हाँ ये 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा जो भी एंगल्स होते हैं है ना, मोर देन 90 एंड लेस देन 180, तो ऐसे एंगल क्या होते हैं 90 से ज्यादा और 180 से कम, वो होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, अगर इसको हम मेजर करेंगे जैसा कि मैंने किया है, अगर इसको हमने मेजर किया है तो ये कितने कितने का एंगल बना रहा है, ये 125 का एंगल बना रहा है, और 125 90 से ज्यादा और 80 से कम, वो क्या होता है, वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। नाउ एंगल AOC, आइए देखते हैं AOC कहाँ है। AOC ये तो हो गया है, एंगल BOC, BOC अच्छा, एंगल BOC इस वाले एंगल को लेना है। इस वाले एंगल को हम देखेंगे अगर गौर से, अगर आप इसको ध्यान से देखिए कि अगर ये सीधा होता तो ये ऐसा होता, और अगर ये ऐसा होता तो ये कितने का एंगल बनाता, 90 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BOC कितने का एंगल बना रहा है, 90 का, ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल BOC बना रहा है। और 90 डिग्री एंगल क्या होता है, राइट एंगल, ये होता है राइट एंगल, ठीक है।
वाले एंगल की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए, ये देख सकते हैं आप कि ये भी कितने का एंगल बना रहा है, 90 का। तो ये तो बहुत ही इजीली फाइंड हो गया ना, ये 90 का बना रहा है। अगेन हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा टाइप है ये, राइट एंगल टाइप है। ओके नेक्स्ट है एंगल DOA, ठीक है, DOA। अब देखिए DOA की बात हो रही है, DOA की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है, इस वाले एंगल की। तो सिमिलर ये वाला कहानी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, ये इस वाले एंगल को जब हमने मेजर किया तो कितना आया है, ये 140 का एंगल बना रहा है, 140 का। और 140 का एंगल बना रहा है तो आप जानते हैं कि 140 90 से ज्यादा और 180 से कम क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट DOB, एंगल DOB, एंगल DOB, इस पूरे की बात हो रही है। देखने से ही पता चल रहा है क्या है ये, स्ट्रेट एंगल है। कैसा एंगल है ये, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने का होता है, 180 का, ठीक है। तो आई होप कि ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एज वेल योर ये चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।